रमज़ान का पाक माह चल रहा है, इसी दौरान यासीनगंज क्षेत्र से शाही जामा मस्जिद में तरावी मुकम्मल की गई। जी हां, आपको बता दें कि सभी लोगों ने हाथ उठाकर देश के लिए दुआ की। वहां के सदर मोहम्मद फुरकान अहमद बरकाती ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी यहां हिंदू मुस्लिम एकता के साथ ही तरावी और रोज़े रखे जा रहे हैं। कोई भी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव। अपना परिचय दे दिए। जी, मैं फुरकान अहमद बरकाती यासीनगंज शाही जामा मस्जिद के सदर हूँ और यहाँ पे तरावी हो रही है। 5 पारे मुकम्मल कम्प्लीट हो रहे हैं आज, एक पुरानी अली और हमारे यहाँ अमन सुकून का माहौल है और हिंदू मुस्लिम भाईचारा सभी लोग मिल करके इसमें सहयोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी साथ में है। कल एक हादसा होते होते बच गया कि एक गाय आ रही थी नमाजी के ऊपर, तो एक पुलिस वाला दौड़ गया तो उस गाय को खदेड़ते हुए पीछे ले जाता है यहाँ पर। और क्या कहना चाहेंगे आप? और बस ये कहना चाहते हैं देश दुनिया के लोगों के लिए कि यहाँ अमन सुकून बना रहे, सभी को भाईचारगी रहे, आपस में किसी से कोई वाद ना रहे, सब अमन सुकून से लोग अपनी ज़िंदगी जीते। क्या नाम है भाई तुम्हारा? आशीष कुमार। क्या हुआ था परसों का वाकया, कुछ बता रहा? जमात हो रही थी तो आप पे साढ़ आ गए थे, तो इसमें ही लड़ रहे थे तो भगदड़ मच गई, तो वहाँ पे हटाने के लिए एक सिपाही है अजय और हम दोनों ने उनको दूर तक खदेड़ा। कुछ चोट भी लगी थी कि आप लोग को उसमें हटाने पे? हाथ में हल्की सी मोच आ गई। अच्छा, कौन कौन था वहाँ भगाने में उसको? सांड, अजय सिपाही और हिंदू। नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जुल्फकार अली भाई साहब और मैं यहाँ का मस्जिद जामा मस्जिद का शाही सेक्रेटरी हूँ और यहाँ पर हमारे आज 5 सिपाही की तरावी मुकम्मल हो रही है और हमारा बड़ा सुकून और अमन चैन रहा है। सभी ने हमारी मदद की, यहाँ पर पुलिस से लेके और हमारे सभी भाइयों ने, हिंदू या मुसलमान हो, सब यहाँ सहयोग किया है और यहाँ पर नगर निगम खुशी तौर पे यहाँ पर नगर निगम की विशेष सफाई मतलब यहाँ पर रही है जो उन्होंने रात में अच्छे से काम किया, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। रात में भी आगे सफाई कर रहे हैं? जी हाँ, रात में भी आगे कर रहे हैं और यहाँ प्रशासन से लेकर शासन तक हमारा साथ में सब सहयोग किया है।